आईजी जेल चंद्र प्रकाश ने शनिवार को मंडलीय कारागार गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी जेल अरविंद कुमार सिंह, जेल अधीक्षक रामधनी, जेलर प्रेम सागर शुक्ला सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर जेल पहुंचे डीआईजी ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्थल को जेल प्रशासन द्वारा बंद किए जाने की शिकायत पर उसका निरीक्षण किया तथा उसको खोलने के लिए शासन से सहमति बनाने की बात कही। डीआईजी जेल ने कारागार के खराब सीसीटीवी कैमरे को बदलने के निर्देश दिए। किचन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है। उन्होंने कहा कि जेल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। डीआईजी जेल ने कहा कि जेल में कैदियों की संख्या अधिक है, उनको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए आईजी जेल चंद्र प्रकाश ने कहा, ठीक है, निरीक्षण जो मैं करने आया था, एक तो गोरखपुर जेल के अंदर की व्यवस्था देखने आया था मैं, और वो देखा मैंने तो यहाँ पे हमारे जो कैमरेज लगे हुए हैं, 24 कैमरे लगे हुए हैं, 6 और लगने थे, 6 अभी लगे नहीं हैं, 24 जो लगे हैं उसमें से 16 काम कर रहे हैं, 8 नहीं काम कर रहे हैं। तो जो कार्यदायी संस्था है उनको अभी तलब किया गया, मंगलवार को उनसे पूछा जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि जल्दी से उनको ठीक कराए, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जेल के अंदर जो है, जो हमारी किचन है, किचन को मॉडर्नाइज किया गया था इक्विपमेंट्स लगा के, रोटी बनाने की जो हमारी मशीन है वो अभी काम नहीं कर रही है। तो इस संस्था को भी बुलाया गया है और उनका जवाब तलब किया गया है। खाना अच्छा बन रहा है, हॉस्पिटल में देखा गया तो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएँ ठीक है, नई बैरक का निर्माण हो रहा है उसको भी देखा गया, काम की प्रगति उनकी धीमी है, क्वालिटी उनकी ठीक नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मैं देखने आया था, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो स्वर्ग अमर शहीद हमारे हैं, उनके स्मारक में जो जाने का रास्ता बंद हो गया है उस पर आपत्ति है लोगों को, तो उसका निदान हमको करना है। तो हमने अपने इंजीनियर्स के साथ में बैठ के और अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करी है और उसका भी हम लोग कोई रास्ता हल ढूँढेंगे और उसका समाधान कराएंगे। जो है जेल में ओवर क्राउडिंग की समस्या है और उसको भी देखा जा रहा है। सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बताया है कि यहाँ पे जो कार्मिकों की कमी है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अभी आपने देखा कि दो लोग मिलने आए थे, इनके समस्याओं को लिख लिया गया है, और भी जो छोटी मोटी बातें निरीक्षण में आई हैं उनको नोट कर लिया गया है, उनका जाके निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। जो कैदियों की संख्या ज़्यादा है सर इसमें? हाँ, कैदियों की संख्या लगभग 800 की यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट में 1900 करीब 2000 के लगभग है, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें ये जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं इनको आप थोड़ा बाहर कराइए सुप्रिंटेंडेंट साहब, देखें कि जो यहाँ पे हम लोग जिनको शिफ्ट कर सकते हैं सेंट्रल जेल में या अन्य जेलों में, उनको सेंट्रल शिफ्ट करके यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम कराएंगे। जो उस महिलाएं में या कुछ विदेशी भी जेल में होंगे? हाँ, महिलाएं हैं, महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि जैसे मोस्टली जो दहेज हत्या में आई हुई हैं उनकी अपनी शिकायतें थी कि फर्जी केसों में फंसा दिया गया है। अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो ट्रायल हो रहा है, उसमें माननीय न्यायालय उचित निर्णय लेंगे। लेकिन और जो क्रेच है वहाँ पे, जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनके लिए जो समस्या, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। मैंने अभी रिक्वेस्ट करी है, अब नया क्रेच बन रहा है, लेकिन जब तक नहीं बन जाता है तो दूसरे लोगों से सहयोग प्राप्त करके क्रेच को और अच्छा बनाया जाए, जैसे कि जो बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं वो कम से कम उनको ये ना आभास हो कि वो जेल के अंदर हैं।